मुझे हमेशा, मैं दिल्ली वाली हूँ तो मुझे दिल्ली का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मुझे लगता है कि अब वो जो चीज़ है मेरी बार बार दिल्ली भागने की जस्ट बिकॉज ऑफ फूड, तो वो अब नहीं होगा। मैं यहाँ रेडिसन में आऊँगी और मुसाफिर में आके अपने टेस्ट बड्स को शांत करूँगी। माई फेवरेट इंडियन कुजीन मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, दाल मखनी, पनीर, कढ़ाई पनीर, तो यही मेरा ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज शुरू से मैं यही आलू के पराठे। यस, आपकी हाल ही में मूवी गई थी उमानी, किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला था? पहली मूवी थी आपकी? जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बहुत अच्छा, यू नो, सबके क्रिटिक्स के रिव्यूज भी बहुत अच्छे आए, तो आई एम सो ग्लैड कि बस वेट कर रही हूँ कि जल्दी से OTT पे रिलीज़ हो जाए। कब रिलीज होगी ये मुझे नहीं जी नहीं, ये तो आप प्रोड्यूसर से जानिए। इसके अलावा कोई आने वाले समय में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? डेफिनेटली आने वाला है बिग बॉस, उसके बारे में? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, बट लाइक बिग बॉस के लिए तो नहीं, बट या होपफुली अगर मेरी फिल्म जल्दी मतलब OTT पर रिलीज होने वाली है तो उसके प्रमोशन के लिए मे बी आई कैन गो देयर। थैंक यू। मुसाफिर, हमने सोचा कि इस एरिया में एक ऐसा क्यूजिन, इंडियन क्यूजिन दे जो कि बहुत ऑथेंटिक हो। जैसे मुसाफिर, नाम हमारा मुसाफिर है क्योंकि एक जर्नी ऑफ फूड है और इसके अंदर हमने नॉर्थ से साउथ तक सब रेसिपीज़ रखे हुए हैं और तकरीबन हमने इसके ऊपर 6 months तक अराउंड 250 रेसिपीज़ का स्टडी किया है और बनाया है और तब जाके हमारा मेन्यू बना है। वाह, अच्छा हो शेफ ने बता दी है, मैं ट्राई करना चाहूँगी थोड़ा थोड़ा। दीपिका जी, यहाँ पे विजुअल्स कर लेते हैं एक बार, लाइट में रुक जा, आइए मेरे राइट में ना, आपके हमारे राइट में, आपके राइट, आपके लेफ्ट में, bring the fuck back.